हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे नव भारती परिवार में। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है सरफेस केमिस्ट्री, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे कोलाइड्स। कोलाइड्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, जो कोलाइड्स हैं वो होते क्या हैं, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी कैटेगरी में, इस सिस्टम में, इसके आसपास कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सॉल्यूशंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। एक तो कोलाइड्स हो गया, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, दूसरा हो जाता है एक ट्रू सॉल्यूशन। ये सब आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। तीसरा होता है सस्पेंशन, ठीक है। ये तीन टाइप के सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड्स क्या है, वन बाय वन हम इसे देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोलाइड्स के बारे में पढ़ना है तो हमें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, पहले मैं बात करूंगी ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। अगर ट्रू सॉल्यूशन की हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि सॉल्यूशन के अंदर दो मीडियम होते हैं, ठीक है। एक मीडियम तो वो होता है, जैसे कि मैं बात करूं सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है उसके अंदर सॉल्यूट मिलकर घुलता है, ठीक है ना। सॉल्यूट घुल जाता है इसमें, सॉल्वेंट में। तो देखिए, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके अंदर जो घुलने वाले पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, उनका साइज क्या होगा, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। अब नैनोमीटर क्या होता है, ये बात मुझे आई होप बताने की जरूरत नहीं है। इट इज द 10^-9 meter, ठीक है। ये ट्रू सॉल्यूशन का, पार्टिकल्स का साइज होता है। बात करो सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन में जो साइज होता है बेसिकली पार्टिकल्स का, वो साइज होता है अबव 10^-9 meter, जिसको मैं बोल सकती हूं 1000 nanometer। अब बात करें कोलाइड्स की, तो जो कोलाइड्स होते हैं या कोलाइडल सॉल्यूशंस होता है, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कि पार्टिकल्स की जो रेंज होती है, साइज की जो रेंज होती है, वो 1 नैनोमीटर से 10^3 या 1000 nanometer के बीच में होते हैं। ध्यान रखना, जब भी अगर आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है कोलाइडल से रिलेटेड या कोलाइड से रिलेटेड कुछ लिखने के लिए आता है, सबसे पहले आप उसके आगे उसका साइज जरूर मेंशन करोगे, क्योंकि अगर आपने साइज नहीं मेंशन किया तो फिर कोलाइड्स का मतलब डिफरेंस ही नहीं पता चल पाएगा। क्योंकि इसका मेन जो डिफरेंस है ट्रू सॉल्यूशन से, सस्पेंशन से, वो यही इसके साइज का डिफरेंस है, ठीक है। हमें साइज के बारे में पता चल गया। अब मैं जैसे ही आपको इन तीनों के एग्जांपल्स दूंगी, आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइड्स क्या है। चलिए एग्जांपल लेना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल, फिर मैं लूंगी सस्पेंशन का और फिर मैं लूंगी कोलाइड्स का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका एग्जाम्पल लेना। मैं तीनों को एक साथ देने की कोशिश करूंगी। ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, सपोज करिए एग्जांपल मैंने ले लिया NaCl यानी नमक, घुला हुआ है किसमें, वाटर में, ठीक है। मैंने यहां बना दिया वाटर, वाटर, और यहां पर क्या घुल रहा है, NaCl, और ये क्या है, वाटर। आई बात समझ में? और इनका साइज मैंने आपको बता दिया क्या होता है, साइज मैं लिख भी देती हूं यहां पर ताकि आपको ध्यान में रहे। 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ठीक है। ये हो गया ट्रू सॉल्यूशन। जब हम पानी के अंदर घोलते हैं नमक को तो वो क्या सॉल्यूशन कहलाता है, ट्रू सॉल्यूशन। और नमक की जो साइज है वो लगभग इसके बीच में होती है, 0.1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच में,
ठीक है, ये हुआ हमारा ट्रू सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं किसकी, सस्पेंशन की। यहां हम लोग बात कर लेंगे किसकी, कोलाइड्स की। सस्पेंशन, सस्पेंशन में हम किसका एग्जांपल लेंगे, अगर मैं बात करूं सैंड यानी रेत, रेत को अगर मैं किसमें मिला दूं, पानी में, ठीक है, पानी है ये तो, रेत के कण, पार्टिकल्स रेत के, क्या जा रहा है इसके अंदर, सैंड, ये क्या है, वाटर। साइज क्या होगी इसकी सस्पेंशन की, अबव 1000 नैनोमीटर। आया समझ में, मतलब कि सस्पेंशन में क्या होता है, एग्जांपल लिया है मैंने सस्पेंशन का, कि इसके पार्टिकल्स कितने मोटे होते हैं, रेत के बराबर, और रेत को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या बन जाएगा, सस्पेंशन बन जाएगा, ठीक है, और इसकी साइज क्या होती है, अबव 1000 नैनोमीटर। अब ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का जो है सिस्टम, उसे हम बोलते हैं कोलाइड्स। क्या बोलते हैं, कोलाइड्स, और कोलाइड्स ही हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना, इसे डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, कोलाइड्स। इसलिए मैं आपको ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन बताया है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, एग्जांपल लो स्टार्च, बताऊंगी अभी स्टार्च क्या होता है। स्टार्च में, स्टार्च को मैंने पानी में घोल दिया, स्टार्च को अगर पानी में घोल देते हैं तो क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं कोलाइड्स, ठीक है। अब देखिए, पानी ले लिया मैंने इधर, ठीक है, घर में आटा होगा, आटा कार्बोहाइड्रेट है, उसे स्टार्च भी बोलते हैं अपन, ठीक है, आटा मैदा कुछ भी पानी के अंदर डालिए, जैसे ही आप पानी के अंदर आटे को डालेंगे, समझ रहे हो, पिसा हुआ आटा जो होता है उसको अगर आप डालेंगे या मैदे को डालेंगे, तो वो मैदा या वो आटा पानी के साथ क्या बना लेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा, ठीक है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है कोलाइड्स का, ठीक है। तो जैसे कि मैं बात करूं, अगर आटा है, पिसा हुआ आटा, तो उसकी जो गेहूं जो पीस जाता है उसके बाद आटा बनता है ना, तो वो आटा है उसकी नमक से मोटाई ज्यादा होती है, लेकिन मिट्टी से मोटाई कम होती है, ठीक है। तो कोलाइड्स जो होता है वो इन दोनों के बीच में आता है, और कोलाइड्स की जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनियस होते हैं। कैसे होते हैं, होमोजेनियस, ठीक है, मैं यहां लिख भी देती हूं, होमोजेनियस होते हैं, मैं इधर लिख देती हूं। अब ये सबको पता है ना कि होमोजेनियस क्या होता है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में। अब आप खुद सोचो, अगर मैं पानी के अंदर नमक को मिला दूंगी, वो अच्छी तरीके से घुल जाएगा, और आप जब उसका सिप लोगे, उस नमक पानी का जब सिप लोगे, तो आपको हर लेवल पर वो जो टेस्ट है वो सेम ही आएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जो NaCl है वो घुल चुका है पानी में, नमक घुल चुका है पानी में। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है, लेकिन जब आप मिट्टी को पानी के अंदर घोलने की कोशिश करोगे तो वो नहीं घुला होगा, मिट्टी जो है अलग से पड़ी रहेगी और पानी आपको अलग दिखेगा, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन कैसा है, हेटरोजीनियस। सस्पेंशन कैसा होता है, हेटरोजीनियस सॉल्यूशन। बात करूं कोलाइड्स की, आप मुझे बताओ, जब आप पानी में आटे को मिलाओगे तो क्या वो अच्छी तरीके से घुल जाएगा, क्या नहीं ना, आप देख लेना, चाहे वो अलग से जो है कोलाइड्स बना लेगा, और आपको अलग से पता चल जाएगा पानी कहाँ है और कहाँ आटा है। तो ये सॉल्यूशन भी कैसा हुआ कोलाइड्स, ये कैसा हुआ, हेटरोजीनियस। हेटरोजीनियस। तो आई होप आपको ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड समझ में आया होगा। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे किसको, कोलाइड्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए क्या पढ़ना है हमें, कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम, कोलाइड्स हमने पढ़ लिए। पार्टिकल साइज क्या होती है, 1 to 10³ नैनोमीटर। ठीक है, तो देखिए कोलाइडल जो सिस्टम होता है ये दो फेज सिस्टम होता है, इसके अंदर दो फेज होते हैं। ठीक है ना, इट इज टू फेज सिस्टम। ठीक है, कौन से फेज होते हैं? पहला होता है डिस्पर्स्ड फेज, दूसरा होता है डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। अगर मैं कोलाइडल सिस्टम को डिफाइन करूं, उसकी डेफिनेशन दूं, तो ये कैसा सिस्टम है? इट इज अ हिट्रोजीनियस सिस्टम। इट इज अ हिट्रोजीनियस सिस्टम इन विच इट इज टू फेज सिस्टम, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि कोलाइडल सिस्टम जो होता है ये हिट्रोजीनियस होता है और इसके अंदर दो फेज होते हैं, पहला डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। और क्या होता है इसके अंदर, जो सब्सटेंस होते हैं जिसको हम डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, वो सब्सटेंस जो है डिस्पर्जन मीडियम में जाकर घुल जाते हैं। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम में जाकर डिस्पर्स्ड फेज जाकर घुल जाता है। ठीक है, और कौन घुलता है? डिस्पर्स्ड फेज। वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे जो घुलेंगे डिस्पर्जन मीडियम में? डिस्पर्स्ड फेज। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, जैसे सॉल्यूशन में हम नहीं बोलते थे सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो सॉल्यूट की तरह आप समझ सकते हो और डिस्पर्जन मीडियम को आप समझ सकते हो सॉल्वेंट की तरह। ठीक है, अगर मैंने आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताया है तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, और कोलाइडल सॉल्यूशन की जो कोलाइडल सिस्टम होता है या कोलाइड्स होते हैं, इनका साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज क्या होता है, पार्टिकल साइज या रेंज क्या होती है, 1 nanometer to 1000 nanometer। और ये बार बार मैं क्यों रिपीट कर रही हूं, क्योंकि जब भी कोलाइडल सिस्टम के बारे में लिखना आएगा आपको ये सारी बातें लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा मेनली कोलाइडल सिस्टम हुआ। अब हम बात करेंगे कि जो कोलाइडल सिस्टम होता है बेसिकली उसके क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है और किस हिसाब से ये बटे हुए हैं आगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। अगर हम डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे क्लासिफाई करें कोलाइड्स को, तो देखिए ये टोटल जो है 9 टाइप के होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं? कि अगर डिस्पर्स फेज जो हो कैसा हो, सॉलिड हो, ठीक है, या डिस्पर्स फेज जो है लिक्विड हो, या डिस्पर्स फेज क्या है, गैस हो। तो ऐसे करके कुल 9 टाइप हैं। पहले मैं आपको डिस्पर्स फेज अगर सॉलिड हो तो वो बता रही हूं। ठीक है, तो देखिए अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड हो, तीनों सॉलिड है यहां पर हमारे डिस्पर्जन मीडियम, एक बार सॉलिड, एक बार लिक्विड और एक बार गैस है। चलिए अब स्टडी करते हैं, साथ में इसके एग्जांपल्स देखेंगे। अगर डिस्पर्स फेज सॉलिड है, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, दोनों सॉलिड सॉलिड है, तो उस कोलाइडल सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, उसको नाम क्या देंगे हम, सॉलिड सोल। आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में आ जाता है और आपको नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम तो याद करना ही है। ठीक है, सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्स मीडियम भी सॉलिड, डिस्पर्स फेज भी सॉलिड, तो नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज सॉलिड सोल। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, रूबी ग्लास। रूबी ग्लास जो होता है वो रेड कलर का होता है, ठीक है, और उसे हम बोलते हैं कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सिस्टम, जिसके अंदर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम कैसे होते हैं, सॉलिड सॉलिड। अब अगर मैं बात करूं, डिस्पर्स फेज जब सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम जब लिक्विड हो, ठीक है, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड घुल रहा है ना, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सोल। क्या बोलते हैं, सोल। ठीक है, और एग्जांपल हो गया घरों में जो पेंट आते हैं ना, पेंट आते हैं जो हम वॉल पे पेंट करते हैं, वो उस पेंट में क्या होता है, जो लिक्विड होता है उसके अंदर जो है सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं। सॉलिड हो गया डिस्पर्स फेज, लिक्विड हो गया डिस्पर्जन मीडियम, कोलाइडल सिस्टम हो गया सोल, एग्जाम्पल अपना पेंट। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, जिसमें डिस्पर्जन जो डिस्पर्स्ड फेज है वो होगा सॉलिड, डिस्पर्जन मीडियम होगा गैस। जब भी डिस्पर्जन मीडियम गैस होगा, आपके ध्यान रखना कोलाइडल सिस्टम का नाम हो जाएगा एरोसॉल। क्या हो जाएगा, एरोसॉल।
ठीक है, जब भी क्या हो डिस्पर्जन मीडियम गैस हो, मतलब गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स घुल रहे हैं, उसका एग्जांपल क्या है, स्मोक। ठीक है, स्मोक आपने देखा होगा कि जब भी बाहर आप एनवायरमेंट में, जब भी स्मोकी सा एनवायरमेंट होता है या अभी कहीं कभी भी कोई अगर स्मोक कर रहा है, ठीक है ना, तो वो जो स्मोक होता है बेसिकली उसके जो अंदर है गैस के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एरोसॉल। तो ये सारे थे जिसमें डिस्पर्स्ड फेज के अंदर सारे सॉलिड्स थे। अब हम देखते हैं जब डिस्पर्स्ड फेज के अंदर सारे लिक्विड, लिक्विड। तो देखिए अब हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज में सारे लिक्विड हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, अगर डिस्पर्स्ड फेज में लिक्विड हो और डिस्पर्जन मीडियम में क्या हो, सॉलिड हो, ठीक है, यानी सॉलिड के अंदर लिक्विड घुला हुआ है, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोलाइडल सिस्टम को, जेली। आपने जेली खाई है ना, जेली जो होती है, खाई है कभी, जेली का केक भी होता है, जेलीज भी होती है, जेली की टॉफी भी आती है, ठीक है, या फिर बटर तो खाया ही होगा, ठीक है। वो कैसा होता है बटर वगैरह या जेलीज कैसा होता है, जिसमें सॉलिड के अंदर लिक्विड घुला हुआ होता है। लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज में होता है और सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्जन मीडियम में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप जेलीज भी ले सकते हो, बटर भी ले सकते हो, ठीक है, चीज होता है ना चीज, उसे भी आप इसमें काउंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं दूसरा, जब डिस्पर्जन फेज लिक्विड ही हो, डिस्पर्जन मीडियम कैसा हो, लिक्विड, मतलब दोनों लिक्विड हो, घुलने वाला भी और घुलाने वाला भी लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड, तो उस सिस्टम को हम बोलेंगे इमल्जन, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कोलाइडल सिस्टम, ठीक है। ये होता है इमल्जन, जब डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड हो उसे हम बोलते हैं इमल्जन। और इमल्जन का एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क, यानी दूध। जो दूध होता है वो एक कोलाइडल सिस्टम होता है, ठीक है, दूध जो होता है वो कोलाइडल सिस्टम होता है, और वो सिस्टम कैसा होता है, इमल्जन, उसे क्या बोलते हैं हम, इमल्जन, जिसके अंदर लिक्विड लिक्विड दोनों दो फेज होते हैं, ठीक है। अब बात करें तीसरा टाइप, जिसमें कि डिस्पर्स फेज लिक्विड है लेकिन डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस। क्या है, गैस, गैस के अंदर लिक्विड घुली हुई है। अब आपको मैंने बताया था जब भी डिस्पर्जन मीडियम जो है गैस हो तो उसके अंदर सिस्टम कैसा होगा, एरोसोल, सिस्टम का नाम क्या होगा, एरोसोल। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने फोग, आपने फोग देखा है ना, ओस आती है, फोग आती है, जब भी आप देखते हो गांव में सर्दियों में पूरी फोग ही फोग होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, उसे हम बोलते हैं फोग। और वो फोग कैसा सिस्टम होता है, कोलाइडल सिस्टम, और उसे हम बोलते हैं एरोसोल। और उस फोग के अंदर जो होता है गैस होती है, पूरी हवा में गैसेस होती है और छोटे छोटे जो है लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, नहीं होते कभी कभी जो फोग है उसके बाद बूंदे नहीं गिरती, छोटी छोटी ओस की बूंदे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल हो गया इसका डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम गैस, कोलाइडल सिस्टम एरोसोल, एंड द एग्जाम्पल इज फोग। अब हम चलते हैं जब डिस्पर्स फेज क्या हो, गैस हो, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जब डिस्पर्स फेज गैस हो और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड हो, मतलब सॉलिड के अंदर गैस घुली हुई है, ठीक है, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म, क्या बोलेंगे, सॉलिड फॉर्म, FOAM, ठीक है। इसका एग्जांपल है प्यूमिस स्टोन, ठीक है, प्यूमिस एक टाइप का स्टोन आता है जिसे हम बोलते हैं प्यूमिस स्टोन, और इस स्टोन को अंदर डिस्पर्स, जो डिस्पर्जन मीडियम होता है वो सॉलिड होता है, डिस्पर्स फेज होता है गैस। अगर इसे समझ में नहीं आता, अगर ये देखा हुआ नहीं होता जनरली लोगों का, तो आप देखो फॉर्म रबर, फॉर्म वाला रबर नहीं होता, जैसे फॉर्म होती है वो रबर आता है, स्पॉन्जी टाइप होता है, ठीक है, तो उसमें भी डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है, डिस्पर्स फेज गैस होता है, और सिस्टम होता है क्या, सॉलिड फॉर्म। बात करें गैस जब डिस्पर्स फेज में हो और डिस्पर्जन मीडियम हो लिक्विड, तो कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाएगा, फॉर्म। अब आपने घरों में देखी होगी व्हिप्ड क्रीम नहीं होती, जो व्हिप्ड क्रीम होती है, देखा है व्हिप्ड क्रीम, जिससे कि आइसक्रीम्स बनती हैं, है ना, और जिससे हम, एक तो व्हिप्ड क्रीम हो गया, दूसरा एग्जांपल है फ्रोथ का, जिसे हम बोलते हैं फ्रोथ, ठीक है,
ये दो एग्जांपल है, फ्रोथ समझ में ना भी आए तो आप देखो व्हिप्ड क्रीम जो होती है इससे आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। जो व्हिपिंग क्रीम होती है ना वो फॉर्म की तरह लगती है, ठीक है। तो वो जो होता है उसमें डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है, डिस्पर्स फेज होता है गैस, ठीक है। तो ये सारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स यहाँ खत्म होता है और यहाँ पर हमने पढ़ लिया है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बेसिस पे कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन।